हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नील एंड रॉन। नील, कैसे हैं आप लोग? और मैं पटना में आ चुकी हूँ, ब्लॉगिंग थोड़ी कम हो रही है, बट आते ही मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा चीज़ मिला है। आज आज है एक्चुअली निर्जला एकादशी, जो कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ये पूजा देखने वाली हूँ, तो सोचा आप लोग को भी क्यों ना बताऊँ। ऐसे बहुत लोग तो जानते ही होंगे निर्जला एकादशी के बारे में, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है इस पूजा के बारे में। तो एक्चुअली भाभी यहाँ पे हैं, वो एकादशी की पूजा करती है, तो मैंने उनसे पूछा भाभी कैसे करते हैं। तो वो आज उनका फास्ट है, वो प्रॉपर पूजा करने वाली है, तो बोले ठीक है मैं जैसे से पूजा करूँगी आप देख लीजिएगा। तो आज मैं आपको प्रॉपर पूजा दिखाऊंगी गाइस कि कैसे वो पूजा करती है। और मुझे ये भी पता चला कि निर्जला एकादशी में कृष्ण जी, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, नारायण जी की पूजा की जाती है, तो कान्हा जी की, मतलब हमारे कान्हा जी की पूजा की जाती है। तो आज कान्हा जी की पूजा होगी, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे, वहाँ पे मंदिर की आरती अटेंड करना है हमें, साथ में आपको भी पूजा दिखाते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं। होप सो आप लोग की भी निर्जला एकादशी जिन लोगों ने रखा है वो बहुत अच्छे से जाए। इसमें भी मतलब पूरा 24 घंटे का फास्ट होता है, पानी तक भी नहीं पीते हैं, तो मतलब आज पूरा दिन फास्ट है, कल सूर्योदय के बाद, और उसके बाद फिर पानी पीना है, खाना खाना है पूजा करने के बाद। तो ऐसा है, मतलब मैंने थोड़ा बहुत तो ब्रीफ ले लिया है भाभी से, अब उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे घर का मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है, ऑलमोस्ट सारे भगवान जी हैं। और अब हो रही है पूजा की तैयारी, ये राधा कृष्ण जी के लिए श्रृंगार का सामान सारे इकट्ठा कर लिया भाभी ने, सबसे पहले स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद फिर राधा कृष्ण जी का श्रृंगार होगा, जो कि उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट होगी। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने में। कान्हा जी का स्नान श्रृंगार हो रहा है, अभी सलेक्ट कर रहे हैं कान्हा जी के कपड़े, राधा जी के श्रृंगार का सामान सारे, ये सही है, एक बैग में सारा रेडी करके रखे हैं। इत्र, बांसुरी, वाओ, ये तुलसी जी का माला है? नहीं, मोती का है, नॉर्मल मोती वाला नहीं, नॉर्मल मोती नहीं है वो, कुछ कह जाता है उसको, मोती आता है उनको पहना, बैजंती माला है। अच्छा, बैजंती माला, ये आसन, चंदन टीका, अच्छा अलग अलग सेंट है, इत्र, केवड़ा एंड गुलाब। देख रहे हो कि भाभी के पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, अभी देखते हैं। अरे वाह, एक्चुअली भी वृंदावन होकर आए हैं, इसीलिए इतने सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस, वाओ। ये ये खरीदो, हम सेट नहीं ले रहे थे, आंटी ले रही थी। क्या मन में वो ना, क्या बोली, ले लो, ये है कान्हा जी के कपड़े और राधा जी के, वाओ बहुत सुंदर। अब कान्हा जी का श्रृंगार होगा, ब्रिज का रज, मतलब ब्रिज की माटी। ये है कान्हा जी और ये है राधा जी, क्या लगेगा ये देख लीजिए। गुलाब जल, गुलाब वाले इत्र है, इत्र इनको बहुत प्रिय है। आप नहीं लगाती है इत्र? लगाते हैं डेली बेसिस पे, नहीं डेली नहीं, इत्र इनको बहुत प्रिय है, जितना लगाइए उतना कम है। लगाइए, माथा में लगा दीजिए, जहाँ लगाना है लगा दीजिए, कपड़ा पहना दीजिए। यहाँ पे कान्हा जी का राम से श्रृंगार होगा। गिरिराज जी, अब आसन बन रहा है भगवान जी का, अभी दिखाते हैं हमारे कान्हा जी कितने सुंदर रेडी हुए हैं राधा माँ। अभी बस कुछ देर का इंतजार कीजिए। जगन्नाथ जी दिखाते हैं आपको, ये बहुत सुंदर लग रहा है।
वहाँ नजर आए कि अलग देख रहे हैं लेकिन ना है कैमरे पे। ए दीजिए बांसुरी, आज किस चीज की पूजा कर रहे हैं भाभी? एक निर्जला एकादशी की। हाँ आज है निर्जला एकादशी, इसी का पूजा हो रही है। ये चंदन का टीका। रानी सोच रहे हैं इतने सारे भगवान जी हैं। अब्बा नीचे नीचे देखो कान्हा जी नीचे। भगवान जी रहेंगे। अब देखिएगा ये छोटे से ना प्रणाम कर ले ही भगवान खुश हो जाएंगे बेटा। गाइस पूजा हो गई। ये तुलसी जी का है, तुलसी जी का पेड़ डाल के क्या कहते हैं कपड़ा कच्चा नहीं कच्चा सूता लपेट के जलाया जाता है। गाइस वेलकम टू आवर चैनल नील एंड रॉनिल, और एकदम रेडी हो चुके हूँ। और रॉनिल के नाम से रॉनिल सिंह आ गए हैं। ओके एक सेकंड भाग गया। हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल रॉनिल एंड रीनिल एंड प्रियू दीदी आल्सो एंड बड़ी मम्मी। हाँ बड़ी मम्मी के स्पेशल अभी रेडी हुई है तो उनको स्पेशली दिखा देंगे है ना। हम लोग तो नॉर्मल रेडी हुए हैं। तो गाइज आज है एकादशी की पूजा, निर्जला एकादशी भाभी की है तो हम लोग भी रेडी हो गए हैं। मतलब तो पूजा हो रहा है तो पूजा वाला माहौल होना चाहिए। और वो मंदिर जा रही थी, मैंने बोला मुझे भी जाना मंदिर तो आप लोग को भी लेके चलते हैं मंदिर। रॉय क्यों तंग कर रहे हो? देखिए 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 बदमाश बच्चा भाग गया। मंदिर मैंने चेंज कर लिया, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था इसलिए अब सही लग रहा है सूट के लिए। और मैं अब दिखा देती हूँ भाभी का लुक। ये देखिए पूजा हो रहा है, अभी हो गया है ना पूजा भाभी? पूजा हो गया। अभी 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 दिखाते हैं सामने से। फ्रेंड्स ये है रानी की बड़ी मम्मी, कृष्ण भक्ति में लीन। कौन है रानी? एकदम कृष्ण भक्ति में, ये पूरा वैजयंती माला का राधा रानी का तुलसी माला पूरा हैप्पी एकादशी। आज इनका निर्जला व्रत है तो हम लोग अब चलेंगे मंदिर। रेडी फॉर मंदिर? ये रानी को तो घूमने जाना है, अगर मंदिर नहीं घूमने जाना मुझे। मम्मी पूजा कर हाँ रानी सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मांग लिए विश? लास्ट टाइम हम लोग ऊपर वाले में नहीं आए थे, पता नहीं था विष्णु भगवान जी हैं। इस बार ऊपर में भी आए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। यहाँ पे है राधा श्याम। वाह यहाँ से पूरा बेली रोड भी दिखता है। ये सामने बेली रोड का फ्लाईओवर, और ये बेली रोड का मार्केट। शिव जी है। हाँ हाँ शिव मंदिर संस्थापक हैं ये लोग।
फ्रेंड अब यहाँ से जा रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर है, पूरा दर्शन कर लिए, अब निकल रहे हैं यहाँ से। गाइस आज सारे मंदिर पूजा वगैरह हम लोग कर लिए, दर्शन कर लिए, आज खजपुरा शिव मंदिर गए थे। जब हम लोग आए थे तो खजपुरा शिव मंदिर का आपको दर्शन भी कराए थे, बट हम लोग सबसे टॉप फ्लोर पे नहीं गए थे, हमें पता ही नहीं था कि टॉप फ्लोर पे भी भगवान जी हैं। तो आज हम लोग टॉप फ्लोर पे भी गए, वहाँ पे ये सीता जी, राम जी का, लक्ष्मी जी, फिर राधा कृष्ण और सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, और फिर जो उस मंदिर की जो संस्थापक है उनके मूर्तियाँ लगी थी। तो ऊपर भी बहुत अच्छा है, ऊपर से पूरा लोकेशन बेली रोड का सारा लोकेशन लगा, तो अच्छा लगा और पूजा करके भी अच्छा लगा। तो गाइज फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और रौनक आज भी खेलने में बिजी है, तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नील एंड रौनक। बाय।